हे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप रिपोर्टर पर। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया है नीट काउंसलिंग पर, वह किस कारण से लगाया है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले, आप सभी को पता है कि 27% जो सीट होता है टोटल में से, वो ओबीसी के लिए रिजर्व होता है। 27% मतलब अगर 100 सीट है तो उसमें 27 सीट जो होगा वो ओबीसी के लिए होता है, वह टोटल सीट में से होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोटा में अलग अलग रिजर्व हो 27%। अब जिन्होंने ये केस किया है उनको क्या चाहिए, उन्हें 27% रिजर्वेशन चाहिए ऑल इंडिया कोटा में से। अब क्या होता है, टोटल जितना भी सीट होता है उनमें से 15% ऑल इंडिया कोटा में होता है और बाकी का 85% सीट जो होता है वो स्टेट कोटा के पास होता है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या होता है, ओबीसी के लिए ऑल इंडिया कोटा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता और जितना भी रिजर्वेशन होता है वह पूरा स्टेट कोटा में रिजर्वेशन होता है। ये बेसिकली रूल है कि ओबीसी के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं होता ऑल इंडिया कोटा में, जो भी सीट रिजर्व होता है वह स्टेट कोटा में ही होता है। अब ये जो जिन्होंने केस किया है वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो स्टेट है वह लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ओबीसी को, तो यह तो उनकी गलतफहमी हो रही है। जो स्टेट कोटा में है उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, बस उन्हें ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। ऑल इंडिया कोटा में हर स्टेट में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं होता, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, और कोई भी स्टेट में रिजर्वेशन नहीं होता ऑल इंडिया कोटे के कॉलेज में। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन चाहिए तो आपको कौन से कॉलेज में मिलेगा, आपको भुवनेश्वर हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ESIC एक्सेट्रा कॉलेज में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ये जो जिन्होंने केस किया है वह चाहते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन मिले, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो सीट अलॉट हुआ है उन्हें कैंसिल करना होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट लाइकली यह जो केस है वह डिसमिस होने वाला है, क्योंकि यह जो भी किया जा रहा है वह रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार किया जा रहा है, उन्होंने कुछ इलीगल नहीं किया। तो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन जो है वह स्टेट कोटा में ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ वह भी अपडेट रहें। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो पहुंचता रहे। धन्यवाद।